Huh? See. दिखाता हूँ कि थोर को मैं क्या डाइट दे रहा हूँ। ट्यूज़डे तो नहीं आज। देखो अभी थोर घूम के आया था बाहर, मॉर्निंग वॉक से आया। मम्मी इसको रोज सुबह दही देती है। घूम के आते हैं ना तब ये बड़े वाला एक कटोरा, इसको दही मिलती है। क्यों देते हैं मम्मी? इससे सारा दिन जो भी खाना खाता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहता है इसका। ठंडक रहती है इसके अंदर। तो अब इसके बाद इसे मिलेगी इसकी जो पहली ऑफिशियल मील है, वो मिलेगी इसको 9 बजे के आसपास, 8:30-9 बजे के आसपास। तो मैं वो कवर करूँ। नीचे से नहीं, बात। थोर ने दही खा ली है। थोरू खाली थोड़ा ना दही, ये देखो दही लगी हुई है इसकी। चलो फिर अभी ये दही खा लिया, अब इसके बाद इसकी जो फर्स्ट ऑफिशियल मील है वो देंगे इसे। ये थोर खा रहा है एप्पल और इसने ये मांग के लिया है पापा से। ऐसे भूख के मांगता है ये। थोर ये रहा तेरा एप्पल, खा ले। तो ये थोर ने एप्पल भी खा लिया, ये बादाम भी खाता है, एप्पल भी खाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने थोर को जो होममेड फूड है इस पे क्यों ले गया है थोर को, ठीक है। आप सबको पता है कि थोर को मैं रॉयल कैनन में जो पैकेज्ड फूड होता है ये दे रहा था। ये अब फोर मंथ्स का, मतलब 4.5 महीने का हो गया, 5 महीने का होने वाला है ये, ठीक है। तो 4 महीने तक मैंने इसको पैकेज्ड फूड दिया रॉयल कैनन, और साथ में चिकन वगैरह एग वगैरह तो चल ही रहा था इसका, ठीक है। तो मेरे को यूँ लगा कि ये बोर हो रहा था उस खाने से, मतलब वो उसको मतलब इतने अच्छी तरीके से नहीं खा रहा था ये। तो इस वजह से मैं इसको होममेड फूड पे लेके आया हूँ। फूड में हमने पहले भी डॉग्स पाले हुए हैं, और जो कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया, जो जर्मन शेफर्ड हम मिल के आए थे जिनसे, उसका अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि वो बहुत अच्छा ब्लॉग था। उसमें मैंने जर्मन शेफर्ड से मिल के आए थे जो मैंने पहले रखे हुए था, ठीक है। तो उसका आई बटन में लिंक दे देते हैं हम, अभी मैं लिंक दे दूंगा, ये रहा इस आई बटन में लिंक आ जाएगा। तो अब बताता हूँ मैं थोर को ये क्या क्या दे रहा हूँ मैं, मतलब कि ठीक है। पहले तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी डाइट ना फिक्स नहीं है। जैसे अब मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मैं थोर को जो मेसी रोटी होती है वो मैदे के, मतलब चने के आटे की होती है, ठीक है, और सिंपल अपना वीट का आटा होता है। तो ये 2-3 आटे मिक्स, सोयाबीन का आटा भी मिक्स करते हैं हम इसमें, तो 2-3 आटा मिक्स करके फिर इसकी 2 चपाती बनती है, ठीक है। तो वो और साथ में एग, इसके 3 eggs एक बार में, ठीक है। तो वो अब क्लिप देख लो, पहले ये वाली देखो भाई, थोर पीछे बैठा हुआ है, ये रहा खाना। डिसिप्लिन देख रहे हो थोर, थोर ईट। 2 मिनट में खत्म कर देगा थोर, इसको बहुत पसंद है ये। तो ये है सेकंड मील डे की थोर की। अब मैं खाना इसको खिलाऊंगा दोपहर को 2 बजे के आसपास। बेसिकली ये फर्स्ट मील है देखा जाए तो। सुबह सुबह इसको एक कटोरी दही की देते हैं जो मैंने अभी दिखा दी थी, तो उसको गिनना है, गिनो नहीं गिनना मत गिनो, बट ये मेन जो कोर्स हो गया, ये फर्स्ट मेन कोर्स हो गया इसका। खाना इसको खिला दिया है, ठीक है। इसको हम 9 बजे भी खिला देता हूँ मैं, कभी कभी दोपहर को भी यही खिला देता हूँ, चेंज करके। अब दूसरे क्लिप दिखाता हूँ जो मैंने उसे एक दिन बाद दिया है, वो क्लिप है उसमें मैंने इसको राइस और एग दिए हुए हैं। तो अब आप वो क्लिप देखो दिन में। अरे स्टे, ये खाना रखा हुआ तो मैंने इसको स्टे किया हुआ है। थोर स्पीक, थोर स्पीक, थोर ईट। ये ले थोर, ये ले, थोड़ा
थोड़ा गर्म है ना, ये थोड़ा उंगली मार दो कितने प्यार से खाने लग रहे हैं। रोटवेल थोड़ा पसंद नहीं करते राइस, बट अच्छा होता है इनके लिए, पर ये खा रहा है अच्छे तरीके से। मतलब ये दिन में एक ही बार दो, अगर दे रहे हो तो दो दो बार मत देना, तो ये थोड़ा छोड़ देगा नहीं तो। राइस सारा इसमें, ये देखो कर दिया सारा फिनिश। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके दिन के डाइट, मतलब एक साथ नहीं दिया, ये अलग अलग दिनों में दिया, अल्टरनेट डेज में ऐसे ऐसे मिलता है इसको, कभी चपाती के साथ मिल जाते, कभी राइस के साथ। ठीक है, अब देखो आप डाइट जो इसको मैं आफ्टरनून में देता हूँ। दोपहर का टाइम हो गया खाने का, आफ्टरनून में मैं इसको पनीर और राइस देता हूँ, और कभी कभी ये मिस्सी रोटी दे देते हैं, जैसे कि आज मिस्सी रोटी दे रहे हैं। नहीं, ज्यादातर इसको पनीर राइस, मतलब राइस एक टाइम मिलता है। ठीक है, जैसे अगर सुबह नहीं मिला तो अपने शाम को मिल जाएगा, नहीं दोपहर को। तो देखो ये रहा इसका खाना, ये मैं इसकी हाइट के हिसाब से उठा देता हूँ। ये ले, इसको आसानी होगी ना खाते समय। आगे मैं रात का दिखा देता हूँ क्या देता हूँ इसको मैं। देख लो पनीर है, पनीर ये हमेशा इसकी हर, मतलब डेली पनीर डाइट है इसकी, पनीर मिलता ही मिलता है इसे। तो जो पनीर है वो डेली इसको एक बार मिलता है, या तो वो सुबह मिल जाएगा, ठीक है सेम ये डाइट, या तो सुबह मिल जाएगी ये, या राइस के साथ मिल जाएगी चपाती के साथ, नहीं तो राइस के साथ मिल जाएगा इसको पनीर। बट पनीर डेली इसको मिले ही मिलेगा इसको। अगर जिस दिन हम चिकन दे रहे हैं तो उस दिन इसको 3 eggs मिलेंगे दिन में, अगर चिकन नहीं दे रहे रात को तो इसको 6 eggs मिलेंगे टोटल, सुबह सुबह 3 और अपने नाइट में 3। ठीक है, डिनर में मतलब कि इसको 3 मिलेंगे, तो ये समझिए। अब आप देख लो डिनर का, इसका जो रात को क्या देते हैं। इसलिए कोई डाइट फिक्स नहीं है, मैं ऐसे चेंज करता रहता हूँ, मतलब कि डाइट यही है, कभी कुछ दे दी कभी कुछ दे दी, तो ऐसे चेंज करता रहता हूँ, तो इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और इसका जो कोट है ना बहुत ज्यादा शाइन मारता है, बहुत बढ़िया कोट हो गया इसका, तो ये इस वजह से ये है। बाकी मेरी मम्मी और का एक्सपीरियंस है, हमने डॉग रखे हुए हैं पापा और का, वो पनीर ज्यादा देते थे, और पनीर से इनका जो कोट होता है ना बहुत सुंदर निकल गया था, शाइन बहुत अच्छे मारता है ये। तो ये देख लो फिर आप, देख तो लिया आपने, बताना कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में, बताना कैसी लगी। ठीक है, और सपोर्ट करो जल्दी जल्दी, आज मतलब 100 या मतलब 100 सब्सक्राइबर की कमी है, 30 के हो जाएंगे, तो मुबारक हो आप सबको, और ये वीडियो देखते देखते पूरे कर दो आप सब्सक्राइबर, 30 के पूरे कर दो, अपनी आरपी फैमिली जो है वो 30K की फैमिली हो गई है, और आगे आगे और बढ़ेंगे, बढ़िया वीडियोज लाएंगे, फिट रहो खुश रहो, और आ जा करो वीडियो देखने। ठीक है, ओके बाय बाय।